हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नितिन है, नितिन मोहनलाल। और आज का वीडियो मैं स्पेशली उन व्यूअर्स के लिए बना रहा हूँ, श्रोताओं के लिए बना रहा हूँ, या उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो लोग मेंटली स्ट्रांग नहीं होते। ये मैं वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अभी एक मेरे पास एक मैसेज आया था जिसके अंदर बोला गया था कि सर, मैं अपने आप की लाइफ से लड़ता लड़ता परेशान हो चुका हूँ और अब मैं सुसाइड कमिट कर रहा हूँ। ये वो चीज़ें होती है जो मुझे कई बार परेशान करती है, हैरान करती है, और मेरे पास सिर्फ बात करने का कोई ज़रिया नहीं होता तो मैं ये वीडियोस बनाता हूँ। मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं है, मैं कैसे लोगों को रोक सकता हूँ इन सब चीज़ों से, इन चीज़ों को मत करिए। कभी भी मैं लाइफ में हमेशा एक ये चीज़ बोलता हूँ और हमेशा बताता हूँ कि कभी भी अगर अपनी लाइफ को आप आगे बनाना चाहते हैं, अगर आपको लाइफ में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमेशा आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपनी लाइफ को आगे किसी मोड़ पर लेके जाइए। सुसाइड इज़ नॉट द सॉल्यूशन, नॉट एट ऑल। कभी भी ध्यान रखिएगा आप, मैं कई बार लाइव शो में आता हूँ, मैं रांची में था एक बार फेसबुक लाइव शो के अंदर, वहाँ पे एक व्यक्ति आके बोल रहा है आपके लाइव शो की वजह से मैं बस बच गया हूँ, आपकी बातें सुन के मैं बच गया हूँ, वरना तो मैं सुसाइड कर लेता। अरे सुसाइड ऐसे इतनी सस्ती लाइफ है आपकी क्या? कई बार ध्यान रखिएगा इस बात को। तो मेंटली जो स्ट्रांग नहीं है लोग, उनके लिए मैं ये वीडियो बनाना चाह रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को और शेयर कीजिएगा उन सभी लोगों के साथ जो लोग मेंटली स्ट्रांग नहीं है, या आपको लगता है उनके अंदर एक टेंडेंसी है सुसाइडल अटेम्प्ट करने की, या टेंडेंसी है सुसाइड कमिट करने की। तो पहला इंपॉर्टेंट समझिए इस बात को, हेल्दी इन्वायरमेंट होना चाहिए अगर आप मेंटली स्ट्रांग होना चाहते हैं। और बहुत से लोग तो ये भी कहते हैं सर कहाँ से करें, क्या करने की ज़रूरत है, मैंने इतने सारे मेरे वीडियोस हैं, आप लोग देखिए, मैं एक एक वीडियोस के अंदर हमेशा बात करता हूँ आप लोगों से सेल्फ लव की। बनाइए अपने एनवायरनमेंट को क्रिएट, उन लोगों के साथ रहिए जो लोग आपको मोटिवेट करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, जिनके साथ आपका मन रहता है कहने का, जिनके साथ आपका मन रहता है उनका घूमने का, उनका डिनर करने का। बनाइए उस हेल्थी एनवायरनमेंट को। मैं कह रहा हूँ चुनिए अपने जीवन के अंदर चार लोगों को, तीन लोगों को, दो लोगों को, या एक आदमी को जो आपके एनवायरनमेंट को हेल्दी रखता है, जिसके साथ आपको समय बिताना अच्छा लगता है। मेंटली स्ट्रांग करने की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर। अपने बिलीफ रखिए, हेल्दी बिलीफ रखिए। एक अभी मैं एग्जांपल देता हूँ, एक लेडी का, उसने कमेटियाँ चलाती थी, कमेटी आप जानते हैं ना, लाइक जो कमेटी चलाते हैं, और उसकी सभी लोगों ने उसको धोखा दिया और उसने भी सबके पैसे नहीं दिए, किसी के पैसे नहीं दिए, लेकिन उसके लोगों ने बहुत बेइज्जती की, इंसल्ट की, पुलिस को भी बुलाया, सब कुछ हुआ, उसने कमिट नहीं किया सुसाइड। उसने बोला ये समय है मेरा, निकल जाएगा, कौन मुझे क्या कर लेगा, जो मेरी इज्जत है वो तो वैसे भी मेरी खराब हो ही चुकी है। सुसाइड इज़ नॉट द सॉल्यूशन। एनएलपी टेक्निक्स को इस्तेमाल कीजिएगा जब भी आप मेंटली स्ट्रांग नहीं है। मैं हमेशा कराता हूँ सर्कल ऑफ एक्सीलेंस का, आप लोगों भी अपने बच्चों को, अपने लोगों को कराइएगा। एग्जाम्पल के तौर पर इमेजिन कीजिएगा एक सर्कल आपके सामने है और उसमें लेकर आइए उस बच्चे को या किसी व्यक्ति को जो मेंटली स्ट्रांग नहीं है, और ऐसे मूवमेंट को उसको याद दिलाइए कि जब वो मेंटली स्ट्रांग हुआ करता था, शायद वो 5 साल पहले, 10 साल पहले, 5वीं क्लास में, उस मूवमेंट को उसको याद कराइएगा, उस एनर्जीज को, बोलिएगा उसको एक लंबी गहरी सांस लेने के लिए, उस कलर को इमेजिन कराइएगा और उसके पूरी बॉडी में फैलाइए, वो सारे के सारे नए उसके फ्यूचर के अंदर पैटर्न डालिएगा उसके इस मेंटली स्ट्रांगनेस के, बाहर निकालिएगा सर्कल से, 8-10-15 बार उसे आगे पीछे कराइएगा, देखिएगा कितना मजा आएगा। मेरी सीरीज जो मैं बनाता हूँ अपनी, उसके अंदर है ये सेंटर ऑफ सर्कल का, कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करने का, मेंटली स्ट्रांग करने का, एक ऑडियो कमांड्स मैं बनाता हूँ, बहुत ज़्यादा मेरी लोगों के पास ये चलती है मेरी कमांड्स को। मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं एक डिवाइन सोर्स के थ्रू हम लोग हमेशा, जो मेरे एंजल्स के बहुत सारे कोर्सेस चलते हैं, मैं हमेशा एंजल से प्रे करता हूँ, उन सभी लोगों को मेरे पास भेजिए, मिलवाइए मुझसे, कि मैं शायद उन लोगों के जीवन में वैल्यू को ऐड कर सकता हूँ, उन लोगों की लाइफ को मैं चेंज कर सकता हूँ। उसके बाद भी कोई इनिशिएटिव्स देखने के बाद भी मेरे वीडियोस को बहुत बार ऐसा होता है कि जिसको मेरे को ज़रूरत होती है हेल्प करने की, वो नहीं पहुँच पाते। तभी रिक्वेस्ट करता रहता हूँ बार बार कि सिर्फ एक आप लोग देख रहे हैं, आप सिर्फ इस वीडियो को शेयर ही कर लीजिए कि किसी के पास पहुँच जाए जिसको मेरी ज़रूरत हो। दूसरी प्रॉब्लम होती है मेंटली स्ट्रांग नहीं होने की वजह से कि प्रॉब्लम जो है, फोकस जो है हमेशा प्रॉब्लम पे होता है, कभी भी गोल पे फोकस नहीं होता। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है लाइफ के अंदर लोगों के अंदर, कि वो हमेशा अपने गोल को छोड़ के प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं। मेरी प्रॉब्लम इतनी बड़ी है, तुम मेरी सुनोगे ना तो खून के आंसू रो पड़ोगे, ये सब चीज़ें होती हैं। कहाँ फंस रहे हो यार, चाहिए क्या लाइफ के अंदर? आप कहते हो मुझे चाहिए खुशियाँ, और ध्यान कहाँ पर है आपका, नज़र कहाँ पर है आपकी, दुख पे, कैसे मिलेंगी खुशियाँ बताइए जरा मुझे। भाई आप यहाँ से बैठ जाते रांची की ट्रेन के अंदर, आप बोले मैं जयपुर जाना है, कैसे पहुँच जाएंगे आप जयपुर, अब तो आप रांची ही पहुँचेंगे। तो इम्पॉर्टेंट सिर्फ ये है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि किस जगह मुझे जाना है। अपने इन्वायरमेंट को पॉजिटिव रखने के लिए किसी की मोहताज की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं यहाँ पे शूटिंग कर रहा हूँ, मैं आप लोगों के साथ हूँ, अगर मैं कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे खुश हूँ, मेरा एक हेल्दी इन्वायरमेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट है जिन चीज़ों पर मन लगता है उन चीज़ों पर कीजिए। मेंटली स्ट्रांग बनना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सीखिए इन कलाओं को,
ये मैंने भी सीखा है, आज जो मैं ये लेक्चर्स दे पा रहा हूँ या एक्सपीरियंस अपने आप लोगों से शेयर करता हूँ, ये मैंने सीखी हैं ये कलाएँ। जब यकीन हुआ मुझे कि मैं मदद कर सकता हूँ लोगों की, मैंने उन लोगों की हेल्प करी है जिन लोगों को हर तरह से सिर्फ और सिर्फ निराशा मिली है। आज मैं फ़ख्र के साथ कहता हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स जो आज ट्रेनिंग कर रहे हैं, बाहर लोगों को पढ़ा रहे हैं, हीलिंग प्रोफेशन के अंदर हैं, आज मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो काउंसलिंग कर रहे हैं, मुझे बहुत खुशी होती है अपने इन चीज़ों को आपके साथ शेयर करने के लिए। कभी एक शुरू किया था और आज तो एक कारवा बन चुका है। मैं हमेशा अपने लिए भी एक चीज़ बोलता हूँ कि हारा तो मैं तब भी नहीं था अपने जीवन के अंदर जब मैं पूरी तरह से हार चुका था। कभी नहीं हारना चाहिए आप लोग अगर अपने जीवन को लेकर कर रहे हैं, हमेशा जीतिए, स्ट्रांग बनिए, अपने मेंटली स्ट्रांग बनिए। और एक और एक आपके सामने टिप्स यहाँ पे आपके शेयर करना चाहूँगा, जब भी आपको कभी भी कोई व्यक्ति कुछ बोलता है ना, तो हमेशा यूज़ कीजिएगा आप एक टेक्निक को। और टेक्निक क्या है? टेक्निक सिर्फ एक बबल टेक्निक है, यानी अपने आप को इमेजिन कीजिएगा कि आप बबल में बैठे हुए हैं और उस व्यक्ति की आवाज़ आप तक आ ही नहीं रही है। साउंड प्रूफ आप बबल में बैठे हुए हैं, वो जो भी बोल रहा है उसकी आवाज़ आपके पास आ ही नहीं रही है। करिए इन टेक्निक्स को रोज, अगर आप करेंगे ना तो एक टाइम ऐसा भी आएगा वो व्यक्ति चिल्ला रहा होगा, चीख रहा होगा, उसे हॉट ही सिर्फ उसके हॉट दिख रहे होंगे हिलते हुए, आवाज़ नहीं आएगी। करके देखिएगा इन टेक्निक्स को। जो लोग पहली बार मुझे देख रहे हैं, मैं बताना चाहूँगा कि मेरा नाम नितिन मोहन लाल है और मैं इसी तरह से यूट्यूब पे वीडियोस बनाता हूँ आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए। मैं एक एनएलपी लाइफ कोच भी हूँ, मैं एक एंजल कार्ड रीडर हूँ, मैं टैरो कार्ड रीडर हूँ, मैं एक ऑथर हूँ। आप मेरी बुक पढ़ सकते हैं, डिस्कवर द पावर ऑफ अफर्मेशन की, वॉक विद द ग्रैटिट्यूड, आइकॉनिक पेरेंटिंग जैसी बुक्स को आप मेरी पढ़ सकते हैं। मैं बताना चाहूँगा कि हर मंडे रात को 9 बजे मेरे फेसबुक लाइव शो आता है, आप लोग वहाँ पर भी मेरे अटेंड कर सकते हैं। हर रात को 9 बजे यानी सैटरडे की रात को 9 बजे मेरा ये वीडियो जो है मेरा लॉन्च होता है, आप लोग यहाँ पर भी यूट्यूब पे इसका एंजॉय कर सकते हैं। जुड़ने के लिए आप लोग 9953554121 पे आप लोग कॉल कर सकते हैं और ब्रॉडकास्ट लिस्ट में मेरी ऐड हो सकते हैं, जहाँ पे हमेशा आपको मेरा पर्सनल असिस्टेंस मिलता है। आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से दुआ करता रहता हूँ। एक बार फिर से धन्यवाद करना चाहूँगा आप लोगों के प्यार, आपके स्नेह के लिए। थैंक यू सो मच।